हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज ये वीडियो हम सीखेंगे लेआउट या सेटिंग आउट। मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ लेआउट के बारे में, ठीक है। तो ये मेरी सातवीं शायद आठवीं वीडियो होगी लेआउट के लिए। तो वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो भी आपको देख लीजिए। आपको इसी चैनल के प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी सेटिंग आउट या प्ले लिस्ट चैनल प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये ब्रिक वर्क बता रहा हूँ। ब्रिक वर्क हो सकती है या फिर आपका कॉलम हो सकता है। ये आपके डिफरेंट टाइप में हो, ये ग्रिड प्लान के टाइप्स में है कि जो एक मेरे साइट पे काम चल रहा था तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, हर ग्रिड लाइन पे ब्रुज काफ़ी सारी ब्रुजी बनाई हुई थी। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हम बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे बिल्डिंग का लेआउट कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एक इस तरह का रहेगा, इस तरह का लेआउट रहेगा, ब्रिक वर्क के अंदर है। ब्रिक वर्क नहीं हो, ब्रिक वर्क भी हो सकता है या फिर आपका कॉलम हो सकता है। कॉलम कहाँ पर होंगे, ऑलमोस्ट कॉर्नर पर दे देता है। यहाँ पर आपको कॉर्नर पर ब्लॉक दे देगा कॉलम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कॉलम पे दे दिए, यहाँ पे दे दिया है, इधर से ऐसे कॉलम पे दे दिए, या फिर यहाँ पे हो चुका है, या फिर इधर यहाँ पे ना भी हो, पास में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये बीम के ऊपर रेस्ट कर लेगा, या बीम आपकी बीम के ऊपर रेस्ट करेगी, ठीक है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर कॉलम दे दिया है, एक यहाँ पर कॉलम हो गया है, ये आपका बीम के ऊपर रेस्ट हो गया है, ये कॉलम हो गया। तो इस तरह से कॉलम हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो मैं ब्रिक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, समझना आपके तरीके से। आपको सेंट्रल लाइन मेथड से आपको ये लेआउट करना है। तो सबसे पहले ही देखना है कि जो आपकी आउटर वॉल है, सबसे जो आपकी सबसे जो बाहरी आउटर वॉल होती है वो लाइन देखनी है आपकी फर्स्ट, या फिर आपकी फर्स्ट ग्रिड लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वाली स्टार्ट हो रही है, ठीक है। लास्ट वाली स्टार्ट कहाँ पर हो रही है, ये वाली स्टार्ट हो रही है, ये एंड हो रही है। लास्ट वाली ग्रिड लाइन कहाँ पर है, ये वाली वॉल, ये वाली वाल आपको कुछ भी दे सकता है, 9 इंच में दे सकता है या फिर 14 इंच में दे सकता है, ठीक है। ये आपकी 9 इंच वॉल है, ब्रिक वॉल। ग्रिड प्लान आपका इस तरह से देगा आउटर वॉल में, ये फर्स्ट एंड ये लास्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट में आपको ग्रिड लाइन देखना है कहाँ पे आता है। यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है फर्स्ट रीडिंग। अब ये वर्टिकल होगा यानी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में देखते हैं, ये वाली हॉरिजॉन्टल में देख रहा है फर्स्ट ग्रिड कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आपको काट रहा है, यहाँ पर ये फर्स्ट रीडिंग काट रहा है। सेकेंड लास्ट आपको यहाँ पे, तो लास्ट यहाँ पे। तो अब आपका जो ब्रिक वर्क है ये है, यहाँ पे है, ये ब्रिक वर्क है, ठीक है। ये सॉर्ट टोटल आपका ब्रिक वर्क। थोड़ा बारीकी समझोगे तो आपको लेआउट के बारे में कन्फ्यूज़न, जो भी कन्फ्यूज़न है आपको सब क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो इसका मतलब है कि हर किसी ने लेआउट करना सीख लिया है और कोई भी मिस्टेक उससे लेआउट के बारे में नहीं होगी। मैं इसको हेडलाइंस कर देता हूँ ताकि वो क्लियर आपको हो जाए कि हमारी जो वॉल है कहाँ कहाँ पर है, या फिर कॉलम आपको कहाँ कहाँ पर देने हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से का एक, जैसे ये रूम हो गया है, ये भी आपका रूम हो गया है, ये आपका हॉल हो गया है, ये आपका रूम हो गया है। तो कुछ भी आपको एंट्रेंस कहीं भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका ए एंट्रेंस हो गया। तो ये आपका लेआउट है। तो आपको क्या करना है, बुर्जी बनानी है। बुर्जी कहाँ पर बनाएंगे आप, वो देखना है आपको। बुर्जी आपको जब ज़मीन होती है आपकी, ग्राउंड सरफेस होता है, लैंड सरफेस होता है, उसके ऊपर आपको खुदाई से पहले आपको चूना डालना होता है, मार्किंग करनी होती है। तो मार्किंग में आप क्या करते हैं, ये आपको इस तरह से सेक्शन दिया होता है, ये आपकी स्टेप फुटिंग होगी आपकी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये सेंटर लाइन आपको दे देगा, तो ये दे देगा आपको सपोज कीजिए 1200। ये आपके जो टॉप आ गया ये कितना हुआ, 230, ये 9 इंच ही मान लीजिए, या फिर आपके ये 3×12 या फिर 4 फीट, ठीक है, 4 फीट मान लीजिए आप। इस तरह से आपको लाइन दे देगा कि कितना आपको लेना है। तो ये 1200 हो गया। तो अब आप क्या करना है, सबसे पहले सेंटर लाइन मेथड से आपको बुर्जी बना लेनी है, यहाँ पर इस कॉर्नर पे एंड बोर्ड पे, यहाँ पे बनाएंगे एंड एक या बनाएंगे यहाँ पर इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, जो बनानी है जो आपकी बिल्डिंग का लास्ट पोर्शन आपका स्टार्ट होता है। आपको सिर्फ 4 बुर्जी बनाए, 4 बुर्जी से आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर एक बुर्जी बनाई, यहाँ पर बुर्जी बनाई, ये वाली बनाई, ये बनाई। अब ये जो बुर्जी आपकी, ये तो हो जाएगी ख़त्म। ये आपको क्या करना है, सिंपल सेंटर लाइन मेथड से आपको लाइन मार्क करनी है, ये वाली बुर्जी। यहाँ से एक बुर्जी बनाएंगे, सबसे पहले एक बुर्जी बना लेंगे। सपोज आपका फ्रंट ये हो गया, तो फ्रंट पे आपने बुर्जी बनाई यहाँ पे, ठीक है। ये अपने बुर्जी बना ली, सपोज कीजिए ये आपका रोड हो गया, ये आपका रोड हो गया। तो रोड से आपने ये वाला जो डिस्टेंस, ये वाला जो सेंटर लाइन है, सपोज कीजिए ये आपका 2 मीटर हो गया। ये वाला जो सेंटर है ये भी आपका 2 मीटर हो गया, ठीक है। 2 मीटर आपका ये हो गया, 2 मीटर आपका इधर से आपने डिस्टेंस मेज़र किया। तो यहाँ पे देखिए, अब तो एक तो सर्वेयर आपको पॉइंट दे देगा, या सर्वेयर नहीं देता है तो आपका जैसे कि ये प्लॉट होता है, इस तरह से प्लॉट होते हैं, ये रोड होता है, तो उसके बराबर में आपको ये प्लॉट होते हैं, तो उससे भी आप ले सकते हैं। इस वाले प्लॉट के लाइन से आप इस तरह सीधा मार्क मिला लेंगे तो ये 2 फीट आपको मिल जाएंगे प्लॉट के।
तो इसमें भी आपको क्या करना है, रोड के साथ ऐसे कोई भी दो पॉइंट आपको चाहिए होते हैं, ये वाला पॉइंट आपको चाहिए होता है, दो पॉइंट कोई ना कोई ग्रिड लाइन के, तो ये दो पॉइंट आपको मिल गए। अब इस वाले पॉइंट से ही आपको जस्ट सिंपल आपको दूसरा काम क्या करना है, गुनिया बनाना है। गुनिया कैसे बनाएंगे, इस वाले पॉइंट पे ये वाला पॉइंट आपने बुर्जी बनाई, अच्छे से सीमेंट डाला उसके ऊपर, सीमेंट डालने के बाद करनी से आता से आपने ये धागा मार्किंग कर ली, यहाँ से दो मीटर आपने मेज़र किया, यहाँ पे पॉइंट मिल गया आपको ये वाला पॉइंट, इधर से मेज़र किया ये वाला पॉइंट मिल गया, क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट कोई सा भी ये वाला ले लीजिए या फिर ये, इससे जो दूरी है ये सपोज कि आपको ये वाला पॉइंट, सपोज कि ये वाला इधर से कोई रोड है, इधर से भी आपको कोई पॉइंट मिल गया, या कोई आप पास में कोई ये बिल्डिंग है, ये वाला जो बिल्डिंग है इससे डिस्टेंस मिल गया आपको, तो कोई भी पॉइंट आपको ये मिल जाएगा, क्लियर। अब ये वाला पॉइंट मिलने के बाद आपको देखना है कि जो टोटल डिस्टेंस है इस वाले बुर्जी का कितना है, यहाँ पे आपने ग्रिड लाइन आपको मिली रहेगी उसको आपको सबको प्लस कर लेना है, प्लस करने के बाद आपको जो सेंट्रल लाइन वाला है ग्रिड लाइन का लास्ट वाला पॉइंट मिल जाएगा 10,880 mm। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मेज़र करेंगे 10,880, इस वाले जो लाइन है इस पर आप क्रॉस कर देंगे, तो ये आपके दो पॉइंट हैं ये आपके इस बुर्जी पर मार्क हो जाएंगे। मार्क होने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पर एक धागा बांध दीजिए, धागा बांधने के बाद एक ईंट से अच्छी तरह से इसको बांध दीजिए यहाँ पे, ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट आपको धागा धागे में मिल जाएगा लाइन, ये वाला आपको लाइन मिल गई, ये लाइन मिल गई। अब आपको क्या करना है, गुनिया बनाना है, गुनिया बनाने के लिए ये वाला लाइन इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर बनानी है ताकि गुनिया बन जाए। चलो हम ले लेते हैं, सपोज़ कीजिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ, सपोज़ कीजिए 9 मीटर, 9 मीटर तो देख लेते हैं, ठीक है, और इसमें 9, 6, 7, 9, 12 और 15 का गुनिया होता है, 9, 12, 15, तो सपोज़ कि मैं 9 मीटर यहाँ पे लिया, और ये वाला जो धागा हमने बांधा यहाँ पे, कोई भी आपने सरिया गाड़ लीजिए, सरिया भी ले लेना है, बुर्जी आपको बाद में बनानी है, सरिया ले लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट पे जो रखा हुआ है इस पॉइंट से यहाँ पे इस पॉइंट को इस धागे को मिला दीजिए, धागे पर जो आपने काटा, एक सरिया यहाँ पे गाड़ दीजिए, एक सरिया काटने के बाद आपको 9 मीटर पे मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, दो फीते, अगर आपके पास दो फीते हैं तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, अगर आपके पास एक फीता है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए मैं एक फीते बता देता हूँ, दो फीते से बता देता हूँ कैसे आपको लेआउट करना है, गुनिया कैसे बनाना है। तो यहाँ से एक को ले लीजिए फीता, तो एक फीता लीजिए यहाँ पे क्रॉस कीजिए, जिसका मीटर ले लीजिए 12 मीटर। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप मीटर में मेज़र कर रहे हो या फीट में मेज़र, अगर आप फीट को मेज़र आती है तो फीट में लीजिए, मीटर में आती है तो मीटर, तो या फिर 12 फीट या फिर 9 फीट। तो आपको आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट से आपको मेजरमेंट टेप करना है 15 मीटर या फिर 15 फीट, यहाँ से इसको मिलाते हुए यह वाला आपको क्रॉस करना है, यहाँ से ये क्रॉस हो गया, यहाँ से ये क्रॉस हो गया, जो ये आपको पॉइंट आया यहाँ पे एक सरिया गाड़ दीजिए, या फिर इसको पॉइंट को आपको बारीक लेना है, ठीक है। इतना क्लियर करने के बाद आप देखिए गुनिया आपको लेआउट करना आना चाहिए, गुनिया बनाना आना चाहिए, तभी आप लेआउट में सक्सेस हो पाएंगे, कि आपको कैसे कैसे लेआउट करते हुए जाना है बिल्डिंग का या फिर एक घर का या फिर सिंपल कोई भी घर बनाने के लिए, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल का सेंटर पॉइंट लेना चाहिए, कॉलम का वॉल पॉइंट लेंगे, बस आपको ये आउटर वॉल मिल जाएगी ना, ये आउटर वाली वॉल, इसी लाइन से आप पूरा टोटल अंदर का काम कर लेंगे। देखिए मैं स्टेप टू स्टेप बताता जाता हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अपने यहाँ से मेज़र किया 9 मीटर या फिर 9 फीट, जो भी आपके पास मेजरमेंट है, जो ये डिस्टेंस में डिपेंड करता है आपके पॉइंट के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, ठीक है। 9, 12, 15, 1, 3, 4, 5 भी होता है इसका रूल, इसको बोलते हैं मेथड, 3 मीटर, 4 मीटर या फिर 5 मीटर, 3, 4, 5, 5, 3 मीटर आप ये मेज़र करेंगे, 4 मीटर ये मेज़र करेंगे, तो 5 मीटर आपके पास ये आएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, ये वाला पॉइंट मिलाने के बाद यहाँ पर सरिया गाड़ा या फिर बारीकी से पॉइंट लिया, बारीक पॉइंट लेना आपको, कोशिश करना है कि आपको बारीकी पॉइंट से लेआउट आपका अच्छे से होगा। तो यहाँ पे करनी की सहायता से कोई मसाला रख लीजिए, मोर्टार जिसको बोलते हैं सीमेंट सैंड मोर्टार का, तो उस पर करनी सहायता से धागा पे सोल डाल दीजिए, यहाँ से ये धागा जो आपने यहाँ पे डाला है, सोल डाला है, या फिर धागा जो बांधा हुआ है आपने उसी पर आप एक पैन की सहायता से हल्का सा धागा बांध दीजिए, तो बारीकी से यहाँ पे टेप मिलाते हुए इस वाले पॉइंट को मिला दीजिए और यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, या फिर दो अगर पास आपके पास टेप है तो एक टेप से यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे मेजर करिए 12 मीटर, और एक टेप से यहाँ पे इस कॉर्नर पे रख दीजिए 15 मीटर, जहाँ पे एक बारीकी से पॉइंट कट जाएगा वहाँ पे ही आपको एक बारीक पॉइंट ले लेना है, ठीक है। तो ये लाइन आपको इस वाले लाइन में मिलाते हुए ये बिल्कुल सीधी कर देनी है। तब तक कहाँ पे सीधी करोगे, कहाँ पे कटोगे, अब आपको क्या करना है, देखना है कि ये वाली जो लाइन है इसमें कितनी ग्रिड है, उसका टोटल सम कितना है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें 3 ग्रिड है, 4 ग्रिड है, 4 ग्रिड में डिस्टेंस कितने है, 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, तो 3
तीन तीन, तो 3 मीटर या तीन तीन नौ, तो 900 आपका ये है, तो इट्स मीन ये आपका 900 या फिर 9 मीटर पे है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट को आप 9 मीटर पे क्रॉस कर देंगे, 9 मीटर पे क्रॉस हो गया। अब आपको क्या मिला, ये वाला लाइन आपको मिल गई, और यहाँ से जो आपने सीधा मिलाया था, ये वाले मिलाते हुए लाइन गए थे, ये सीधे आपको मिल गई, ये लाइन मिल गई एंड ये वाली लाइन मिल गई। अब आपको ये वाला पॉइंट आपको मिल गया है, क्लियर। एक बुर्जी बनाइए अच्छे से, पॉइंट बारीकी से कीजिए, और इसको भी, इस धागे को इस पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ पे एक धागे पे सीमेंट सैंड मोटा रख कीजिए, करनी चाहते से प्लान कीजिए। प्लान करने के बाद इस वाले धागे को मिलाते हुए आगे ले जाइए। बुर्जी आपको ज़्यादा ऊंची नहीं करनी, ज़्यादा नीची भी नहीं करनी है, नीची रखिए, एक ईंट का ही लगा लीजिए, या फिर नीचे ही मिट्टी के ऊपर मसाला रख लीजिए। आप ले रहे हैं एक बारीकी लेआउट, आपको ये टेम्परेरी बुर्जी बनानी है, परमानेंट आप बुर्जी बनाएंगे ये वाली, जो ये आप आगे लेंगे, ये बुर्जी आपके ख़त्म हो जाएगी। कैसे, जैसे कि आप यहाँ पे मिट्टी खुदाई करेंगे, इसका एक्सकवेशन करेंगे, मिट्टी इधर उधर जाएगी, तो ये परमानेंट आप बुर्जी बस ये रखीजिए, इससे से आपका सारा काम हो जाएगा। देखिए स्टेप टू स्टेप आगे इस वीडियो के अंदर। तो जैसे आपने ये वाला किया, अब आपको क्या करना है, इस वाले डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस मेज़र कीजिए, ये बुर्जी आप बनाइए। बनाने के बाद इससे जो डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर 880, तो 10 मीटर 880 पे यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, ऐसे ऐसे क्रॉस हो गया। अब यहाँ से ये पॉइंट था, क्रॉस था, इस वाले क्रॉस से ये वाला क्रॉस आपको ऐसे कर दीजिए, ये कितना था 9 मीटर, तो यहाँ से मेजर किए 9 मीटर, तो आपको क्या मिल गया, ये आपको पूरा एक जो लेआउट है बिल्डिंग का, जो आउटर आउटर होता है, एक पैरामीटर होता है, एक आउटर है, वो आपको बिल्डिंग का एक आउटर मिल गया, ठीक है। अब आपको ये वाली वॉल लेनी है। अब आपको क्या करना है, ये वाली वॉल लेने के बाद सिंपल क्या करना है, एक धागा लीजिए, यहाँ पे एक धागा और रख दीजिए, यहाँ पे इस वाली लाइन पे धागा मिला दीजिए, और सभी ग्रिड पे ऐसे चूना कर दीजिए, निशान कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, सभी ग्रिड को बांध दीजिए यहाँ पे करने से। सहायता से आपको क्या करना, चूना मार्किंग करनी है, अभी खुदाई नहीं करनी, चूना मार्किंग करनी है, ठीक है। चलो चूना मार्किंग से पहले वो काम कर लेते हैं, परमानेंट बुर्जी बना लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट से मिलाते हुए आगे एक बुर्जी बना दीजिए, कितनी भी, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, 1 मीटर हो सकती है, 2 मीटर हो सकती है, 3 मीटर, कुछ भी मेजरमेंट नहीं है। इसको पॉइंट, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। जैसे आपने यह बुर्जी बनाई, उस पर सीमेंट डाला, सीमेंट डालने के बाद यहाँ पे वो अपने जो धागा मिला था यहाँ पे अपने ऊपर पकड़ लिया, इस जो सोल डाला अपने, सोल इसके ऊपर डालेंगे मिलाते हुए, धागा आगे पीछे जो भी जाएगा इस पर मिलाते हुए, जहाँ पर इसे मिल जाएगा वहीं पर इसको धागा बांध दीजिए, करनी से साथ से पटक दीजिए, ठीक है, आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर ऐसे रहेगा, इस वाले पॉइंट पर रखिए, इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे ले आइए, यहाँ पे बुर्जी बनाइए, सीमेंट डालिए उसके ऊपर, सैंड डालिए और सॉरी मोर्टार और सीमेंट, सूखा सीमेंट, उस पर अच्छे से मार्क आता है आपके पास, तो यहाँ पे धागा पकड़ना है आपको, उसको धागा मिलाते हुए आगे बढ़ाइए। इस वाली बुर्जी आपको क्या करना है, ये वाले मार्क लेनी है, कैसे लेंगे, तो इस वाले पॉइंट को ऐसे धागा अपने खींचा यहाँ से ऐसे करके, तो यहाँ पे अपने प्लम्बोम डाला, सोल डाला, सोल डालने से आपको ये वाला पॉइंट मिलते हुए यहाँ पे आपको धागा मिला देंगे, ठीक है। ये वाला आपको जो लाइन आपने इस तरह से किया था वही आपको इस तरह से करना है, यहाँ पर धागा रखिए इस वाले लाइन पे, इस पॉइंट में मिलाते हुए आगे बढ़ाइए, ये बुर्जी आप यहाँ बना दीजिए, इसको पॉइंट को मिलाते हुए इस वाले पॉइंट पे ऐसे ये धागा करने की साथ से बाहर दीजिए, ठीक है, ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। अब इसी तरह ये वाला आपको चारों पॉइंट आपको बुर्जी यहाँ पर बना लेनी है, आगे बढ़ा देनी है, इसको बोलते हैं एक्सटेंड करना, जैसे उसके अंदर ऑटोकैड के अंदर जो एक्सटेंड लाइन होती है, इसी लाइन को आगे बढ़ाना है, इस लाइन को फिर आगे बढ़ाना है, तो बढ़ाने के बाद भैया बुर्जी आपको परमानेंट, ये आपकी क्या हो गई, परमानेंट बुर्जी हो गई, क्लियर। अब आपको क्या करना है, चूना मार्किंग करना है, परमानेंट बुर्जी हो जाए, खुदाई होने के बाद आपको PCC के ऊपर यहाँ से ही एक पॉइंट आपको नीचे मिलेगा, जैसे इस वाले बुर्जी से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक धागा बांध देना है, नीचे ऊपर धागा बांधने के बाद ये खुदाई हो जाएगी, आपको क्या, इस धागे से आपको क्या करेंगे, इस देखो इस पर धागा बांध दीजिए, इस पर धागा बांध दीजिए, इस वाले बुर्जी पर, इस बुर्जी पे से बुर्जी तक धागा बांध देना है, इस बुर्जी से बुर्जी तक धागा बांध देना है। अब आपको क्या करना है, ये वाले आगे पॉइंट मिलते जाना चाहिए। अब इस वाले जो बुर्जी से था, इस वाले जो धागे से है, ये वाला जो धागा है कितने दूरी पर है, 1200। अब आपको क्या करेंगे, यहाँ से टेप पकड़ेंगे, यहाँ से टेप पकड़ने के बाद 1200 पे एक सोल डाल देंगे, नीचे एक सोल डाल देंगे, कहाँ पर ये धागा आपके पास बंधा हुआ है, इस धागे पर मिलाते हुए ये सोल नीचे डाल देंगे। अब ये भी ले लेंगे आप, ठीक है, ये भी ले लेंगे, ये भी कैसे लेंगे, 1200 प्लस 1200 प्लस 1400, 12 दूनी 24 48, 12 36 और 36 प्लस 200 3800, तो ये आपके पास 3800। यहाँ से टेप पकड़ेंगे, यहाँ से टेप पकड़ने वाले, जैसे धागा बांधा हुआ है ऐसे, यहाँ पे एक धागा ये बांधा हुआ है, तो यहाँ से धागा पकड़ेंगे वो मेजरिंग टेप, यहाँ से पकड़ते हुए अब क्या करेंगे, 3800 पे एक सोल्ड नीचे डाल देंगे, नीचे मिल गया आपको पॉइंट।
नीचे पॉइंट मिल जाने के बाद इसी तरह आपको क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ये वाली ग्रिड लाइन है तो यहाँ पे डाल देंगे पॉइंट। यहाँ पे कैसे डालेंगे, तो 1250 प्लस 1200 प्लस 1400 प्लस 3150, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ पे मेजरिंग टेप लेंगे, 1200 प्लस 1200 जितना भी प्लस करने के बाद आएगा, तो यहाँ से टेप पकड़ेंगे। टेप पकड़ने के बाद यहाँ पे इसे, इस धागे को, ये धागा आपका बंधा हुआ है यहाँ पे, इसी धागे पर सॉल डालना है नीचे, आपको नीचे सॉल डालना है, प्लम बॉब जिसको बोलते हैं, वो आपको ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको सारी लाइन आपको मिल जाएगी, ये आपको पॉइंट मिल गया, और इसी तरह यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे मिलाते हुए यहाँ मेजरमेंट टेप से यहाँ पे सॉल डालेंगे। अभी आपका धागा बंधा हुआ है, यहाँ पे भी धागा बंधा हुआ है, और यहाँ से भी आप एक नीचे प्लम बॉब डाल देंगे, तो ये भी आपको ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल गया। इसी तरह सभी सारे पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस करेंगे, मेजर करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो एक पॉइंट मिल जाएगा। ये धागा बांधा हुआ है, ये धागा बांधा हुआ है आपका गुरुजी के ऊपर, यहाँ से डिस्टेंस दूरी नापेंगे, ये दूरी कितना ग्रिड लाइन का, 1200 प्लस 1200 प्लस 1400, तो ये पॉइंट यहाँ से मेजर करेंगे तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ से धागा बांधा हुआ है, यहाँ से पॉइंट जितनी दूरी पर है 3000 मीटर पर, तो 3000 पे ऐसे नीचे सॉल डाल देंगे, ठीक है। तो इसी तरह ऊपर आपको करना है लेआउट। लेआउट करने के लिए आपको चूना डालना है, जैसे ये बुर्जी आपकी टेम्परेरी बुर्जी है, इसी बुर्जी से आपको चूना लगाना है, सभी का चूना डाल देना है आपको चारों तरफ। कितना है, कौन सा डालेंगे, यहाँ पर जो चूना डालेंगे कौन सा, वो डालना है आपको, जो नीचे सबसे नीचे वाला जो चुनाई हुई थी वो वाली, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट हमें लेने के बाद, ये जैसे सेंटर पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये वाला सेंटर पॉइंट आपने ले लिया, सेंटर पॉइंट ले लिया, ये धागा मिलान, ये धागा बांध दिया, अब आपने चूना यहाँ पे डाला, जितना था यहाँ पे 1200, यहाँ से कितना था, ये 600 है, तो यहाँ से आपने क्या करना, 600 इधर 600 पे ये लगाना, इस चूने सेंटर लाइन से 600 पे ये आपको ये रखना है, तो ये चूना आपको मिल गया। इसी तरह यहाँ से अपना कितना, 600, यहाँ से 600, तो ये अपना चूना डाल देना, तो इस तरह से आपको क्या हुआ, खुदाई जो होती है एक्सकवेशन की, वो आपको चूना यहाँ पे मार्किंग मिल जाती है इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह आपका प्रोसीजर सेम रहेगा, यहाँ से पॉइंट जो धागा बांधा हुआ है, यहाँ पे जितना डाइन डिस्टेंस था इस बुर्जी से, इस बुर्जी का डिस्टेंस कितना था, 6 मीटर, तो 6 मीटर पर पॉइंट आपको नीचे सॉल्व डाल दिया। तो कुछ बेसिक्स पॉइंट्स जो मैंने आपसे लेआउट के बारे में बताए, जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो बस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते रहेंगे इसी तरह टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।